जानकारी। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम यूज ऑफ हेड बिटर सीखेंगे, हेड बिटर कहाँ पर यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स जिन की बातों में अच्छा हो या बेहतर हो सब समूह का प्रयोग होता है, तब ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हम हेड बिटर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ एग्जाम्पल आ दिख रहे हैं। अच्छा हो आप घर जाएं, ऐसे ऐसे वाक्य अगर आते हैं तो आपको अगर इसका ट्रांसलेशन करना है तो हेड बिटर का इसमें यूज होगा। यहाँ पर रूल लिखा है कैसे आपको आप ट्रांसलेशन करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करेंगे। सब्जेक्ट पहले हम यूज करेंगे, फिर हेड बिटर, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क, फिर ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसे हम राइट करेंगे, फिर अदर वर्ड जो वहाँ बचेगा उसे राइट करेंगे। अब फ्रेंड्स मैं आपको ट्रांसलेशन कर बताता हूँ कि ट्रांसलेशन कैसे हम करेंगे। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं, अच्छा हो आप घर जाएं, तो इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर है आप यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे आपकी इंग्लिश यू। उसके बाद लगाएंगे हैड बेटर, हेड बेटर फ्रेंड्स ऐसे सिंगल प्लूरल कोई भी रहेगा तो उसके साथ हेड बेटर लगना ही लगना है, तो यहाँ हेड बेटर राइट होगा। अब फ्रेंड्स हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स वर्ब है जाए, जाए की इंग्लिश होती है गो, तो यहाँ हम गो लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर है घर, घर की इंग्लिश होम या हाउस आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कोई वर्ड बस नहीं रहा है, तो बस ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। फ्रेंड बहुत ही इजी ट्रांसलेशन है इसका। तो दूसरे एग्जाम्पल हम लेते हैं, अच्छा हो हम साथ साथ चले, इसका आपको ट्रांसलेशन करना है तो फ्रेंड बिल्कुल इसी तरह होगा, आपको रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करना है। अच्छा हो हम साथ साथ चले में सब्जेक्ट है हम इंग्लिश होती है वी, तो यहाँ पहले वी राइट करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हेड बेटर लगना ही लगता है, हेड बेटर यहाँ राइट करेंगे। फ्रेंड्स अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें फ्रेंड्स वर्ब है साथ साथ चले, तो यहाँ पर चलना है इसलिए यहाँ वॉक लगेगा। फ्रेंड्स यहाँ अदर वर्ड है, अदर वर्ड में हमारा आएगा हम साथ साथ चले, साथ साथ की इंग्लिश फ्रेंड्स होती है टुगेदर, तो यहाँ हम टुगेदर राइट करेंगे। ये हो गया लास्ट एग्जांपल है, अच्छा हो आप स्वेटर पहन ले, फ्रेंड्स इसके ट्रांसलेशन मैं आपको कर दूंगा। अच्छा हो आप स्वेटर पहने, फ्रेंड इसमें सब्जेक्ट वाह है, पहले वाह की इंग्लिश में लिखेंगे ही। है बेटर लगना ही लगना है, बेटर यहाँ लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, इसमें वर्ड फ्रेंड्स है पहन, पहन का होता है वियर, वियर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स है स्वेटर, स्वेटर यहाँ लिखेंगे आ स्वेटर। फ्रेंड्स आपने देख लिया हेड बेटर का यूज करना बहुत ईजी है, आप ये भी अब जानते हैं कि हेड बेटर कब और कहाँ यूज होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी आती है और स्टडी में ग्रामर का और ग्रामर मैथ आपको इसी वीडियो देखने को मिलेगी, और नवोदय के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको फिर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली।